गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तो निकल रहा हूँ भागने, तो सोचा सुबह से ही व्लॉग शुरू कर देता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। नीलू मैं निकल रहा हूँ। हाय, तो मेरा रनिंग खत्म हो गया है, तो सोचा अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। ये लेक के चारों ओर बहुत अच्छा सा रनिंग ट्रैक बना है, जहाँ काफी लोग सुबह शाम को सैर के लिए निकलते हैं। लगता है कछुआ भी आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योगिस्तान ब्लॉग्स। मेरा योगा खत्म हो गया है, मैं पी रही हूँ अभी कोकोनट वाटर, इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में मैं आज सोच रही हूँ ओट्स चीले बना लूँ, अप्पू के फेवरेट है। कभी भी पूछो कि नाश्ते में क्या खाना है, तो ही इज ऑलवेज लाइक कि ओट्स चीला बना लो। मेहनत का काम है, पर मैं सोच रही थी कि मैं उसको भी ब्लॉग कर लेती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे ओट्स चीला बनाती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें डाली जाएंगी। एक है रोल्ड ओट्स, आप इंस्टेंट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इस ओट में ज़्यादा फाइबर होता है तो ये ज़्यादा हेल्दी होता है, आप चाहे तो ये ले सकते हैं। और प्याज, हरी मिर्च, गाजर और दही। तो हम दो लोगों के लिए 2 कप ओट्स काफ़ी रहता है, तो ये 2 कप हैं। एक मैंने निकाला हुआ है, एक और इसके बाद 2। तो जब हम इसे हल्का सा भूनते हैं तो उससे जो चीले बनते हैं उनका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है, वो कच्चा कच्चा आटे जैसा स्वाद नहीं आता है, इसलिए मेरे को ये थोड़ा सा भूनना पसंद है। आपको बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का, जैसे ही सौंधी स्मेल आने लगे आपको गैस बंद कर देनी है और बहुत कम गैस पे इसको करेंगे, तो वो करते हैं। इस तरीके से मंदी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए आप ओट्स को भून लीजिए। जब तक ओट्स ठंडे हो रहे थे मैंने तीनों इंग्रेडिएंट्स को चॉप करके रख लिया है, वो है कसा हुआ गाजर, प्याज थोड़ा बारीकी रखे ताकि चीले बनाना इजी हो, ये हो गई हरी मिर्च, अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप कम यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा खाती हूँ, लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड करती हूँ, हरी मिर्च में विटामिन सी भी होता है तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ओट्स ठंडा हो गया और मैंने मिक्सी में डाल के इस तरीके से पाउडर बना लिया। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी का यूज करेंगे और बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए बैटर रेडी है, बहुत पतला नहीं, जितना आप चीले के लिए रखते हैं उतना ही रखेगा, और ये कभी कभी पानी सोख लेता है तो हो सकता है थोड़ा और बाद में ऐड करना पड़े। चीले रेडी हो रहे हैं, ये हमने लिया और इसको हल्के से बैटर को डालेंगे और हल्के हल्के स्प्रेड करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे। तो ऐसे दिखते हैं ये चीले, बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं। एक बाइट मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा सॉस। मेरे फेवरेट हैं भाई। ये चादर बिछा देता हूँ, इस पे कलेक्ट करने। ये यहाँ पर भी एक चादर बिछा दी, बस हो गया हो गया। क्या कर रही हो नीलू? मैं ये फ्रूट्स काट रही हूँ, पाइपर की गाजर वो खाती है ना। ओ देंगे देंगे, रुक जाओ, ये पाइपर को देखो, गाजर के लिए वेट कर रहा है, गाजर के लिए वेट कर रहा है ना, ये देखो। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे खाएगी, इसकी फेवरेट है ये, दो दो गाजर साथ में खाती है। गुड, अच्छा हैंडशेक कर दो, हैंडशेक कर दो, अरे मेरा बच्चा गुड डॉगी, ऑल जाओ। बस ये इसको शाम को, एक्चुअली गाजर डॉग्स को देनी चाहिए, इसमें फाइबर होता है तो उनके लिए अच्छा भी होता है। और तुम्हारे लिए दूध कर दूं? हाँ कर दो फटाफट, बॉनविटा डाल के। हाँ कुछ भी डाल दो। फ्रूट सारे रेडी हो चुके हैं, कॉफी स्टार्ट। ये अप्पू की कॉफी, ये अप्पू, ये लो, थोड़ा पास आ जाओ। ये प्लेट में बंटवारा क्यों रखा? यू नो कि क्यों रखा है? नहीं नहीं मैं अब थोड़ी ना खाता हूँ इतना तुम्हारा। हेलो, तो आप देख सकते हैं हम एकदम रेडी और कार में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम निकल रहे हैं दुरियन फ्रूट खाने। मलेशिया का बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है, उसको खाएंगे और बताएंगे कि वो कैसा होता है। बाय द वे, पूरी दुनिया में अगर आप गूगल करेंगे ना, सबसे बदबूदार, स्टिंकीएस्ट, स्मेली फ्रूट कौन सा है, तो वो दुरियन है, पर बहुत यम्मी है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा ये बताइएगा कि ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है, ये रंग मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा लाउड लगता है, पर अप्पू ने बोला ले लो और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है।
तो कभी कभी थोड़े से ऐसे कलर्स भी आप पहन सकते हो, शायद जो देखता है उसकी नजरें ज्यादा अच्छे से बता सकती है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा होगा। बीच में रुक के एक फार्मेसी से हमने ये एंटीजन टेस्ट लिया है, रैपिड टेस्ट, तो अभी घर जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं दुरियन शॉप में और अब हम जाके दुरियन टेस्ट करेंगे, चलिए। तो ये स्टाफ हमें बता रहे हैं दुरियन की अलग अलग वैरायटी के बारे में, और हमें दो पता है, मूसान किंग और ब्लैक थॉर्न। ब्लैक थॉर्न शायद ख़त्म हो गया है, तो अभी देखते हैं अगर मूसान किंग होता है। ऐसा दिखता है ये अंदर से, और ये जो येलो फ्लैशी पोर्शन है ये हमें खाना है। इसके साथ में ग्लव्स दिए जाते हैं क्योंकि इसको हाथ से नहीं खा सकते, क्योंकि इसकी स्मेल आपके हाथों से जाएगी नहीं, बहुत ही स्मेली होता है। तो चलिए हम लोग साथ में टेस्ट करने जा रहे हैं। चीयर्स। बहुत ही क्रीमी है, इतना यूनिक फ्लेवर है इसका, बहुत ज़्यादा अलग तरीके का फल है, जैसे चीज़ और मैंगो सबको मिला दो ना, सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, ये कुछ वैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुमको पता है दुरियन का मीनिंग? बदबू। तो दुरियन वर्ड आया है दूरी से, जिसका मीनिंग होता है थॉर्न यानी कि कांटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। दुरियन बहुत सारे देशों में बैंड है क्योंकि इसकी बदबू के कारण ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन जगहों पे मिलता है। इंडोनेशिया, यस। तो अगर आप मलेशिया में आते हो तो ये फ्रूट ज़रूर ट्राई करना। अप्पू को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि दुरियन ख़त्म हो गया, इसलिए देखो खाली छिलके उठा उठा के चेक कर रहे हैं, और चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट कितनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। वापस आ गए घर के कपड़ों में, आप देख सकते हैं। ब्लॉग एंड करने के लिए, आज का दिन बहुत अच्छा था। दुरियन बहुत ही अनोखा फ्रूट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, तो अगर हमारी फैमिली आएगी तो हम उनको ट्राई तो जरूर कराएंगे, फिर अच्छा लगता है नहीं लगता है उनकी मर्जी। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस था, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल योगिस्तान ब्लॉग्स को पक्के से सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, बाय बाय, बाय बाय, नमस्ते।